हाय गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल के अंदर। आज जो अपने टॉपिक कंसीडर करने वाले हैं वो है फाइंड आउट द नंबर ऑफ जीरो इन एनी कैलकुलेशन। कोई भी कैलकुलेशन है उसके अंत के अंदर कितने जीरो आएंगे, कितने शून्य आएंगे, ये अपने को फाइंड आउट करने हैं। और इस सेशन के अंदर अपने एसएससी के प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में जितने भी टिपिकल क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से वो अपने कंसीडर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले मैं बिल्कुल बेस बताऊंगा, क्योंकि बेस क्लियर नहीं होगा तो डेफिनेटली आप सिर्फ रट्टाफिकेशन मारते जाओगे। और अगर मैं देखूं कि मैथ रट्टा मारने वाले नहीं है, वो समझने वाली है, और एक बार आप समझ गए तो आपको लाइफ टाइम कभी मैथ सीखने की जरूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिकली हर एक क्वेश्चन को कवर कर सकते हो। और अगर अपनी बात करें यहाँ पर कि सबसे पहले 10 बनता कैसे है, या अपना सबसे पहले किसी भी संख्या के अंत में जीरो आता कैसे है, अगर आप किसी संख्या को 10 से गुना कर दो तो आपका उस कैलकुलेशन के एंड के अंदर एक जीरो आ जाएगा। अगर आपने 100 से गुना किया तो 2 जीरो आ जाएंगे, 1000 से गुना किया 3 जीरो आ जाएंगे। तो मेन थिंग क्या है, ये 10 अगर एक बार है तो एक जीरो देता है, 2 बार है 2 जीरो देता है, 3 बार है 3 जीरो देता है। लेकिन ऑटोमेटिकली अगर मैं एक बार देखूं कि 10 किससे बनता है, 10 बनता है 5 और 2 के पेयर से। 5 गुना 2 10 बनाता है। तो जितने भी कैलकुलेशन के अंदर 5 और 2 के पेयर होंगे, मैं उसे कैलकुलेट कर लूंगा तो डेफिनेटली उस कैलकुलेशन के एंड के अंदर जितने भी जीरो आएंगे वो अपने को पता चल जाएंगे। तो मेन मोटो क्या है, फर्स्टली वी नीड टू फाइंड आउट नंबर ऑफ 10। अगर आप 10 गिनते हो वो आपको नहीं मिलते, देन वी नीड टू फाइंड आउट द पेयर्स ऑफ 5 एंड 2। जितने 5 और 2 के पेयर होंगे उतने ही आपके नंबर ऑफ जीरोस काउंट होंगे। तो चलिए बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन से लेते हैं कि इस क्वेश्चन में आप नंबर ऑफ जीरो किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मेरे को एक क्वेश्चन मिला, 48 × 56 × 25 × 20 × 50। और इस पूरी कैलकुलेशन के अंदर अपने पास कितने जीरो आएंगे ये अपने को फाइंड आउट करने हैं। तो हमारे पास सबसे पहला थिंग क्या है कि मैं सबसे पहले जो मुझे जीरो दिख रही हैं उन्हें काउंट कर लूंगा। यहाँ पे मैं नंबर ऑफ जीरो लिखता जाऊंगा तो यहाँ पे देखिएगा नंबर ऑफ जीरो जो आपकी आएंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ बात करूँ, 2 जीरो मुझे दिख रही है, मैंने यहाँ से इसे माइंड में काट लिया या मैंने यहाँ पर ऑब्जर्व कर लिया कि 2 जीरो आ रही है, इसे काट दिया, यहाँ पर 2 लिख दिया कि 2 जीरो तो मुझे दिख रही है। अब इसके बाद इस पूरी कैलकुलेशन के अंदर नंबर ऑफ 5 एंड नंबर ऑफ 2 मैं फाइंड आउट करूंगा। तो यहाँ देखिएगा 1 5 मेरा यहाँ है, 25 के अंदर 2 5 आते हैं तो 5 × 5 मेरा यहाँ है। देन क्या 2 के अंदर 5 आता है, नहीं आता। क्या 56 के अंदर 5 का डिवाइडेशन होता है, नहीं होता। 48 में नहीं होता, यानी कि इन वैल्यूज के अंदर आपका 5 नहीं आएगा। तो मेरे पास नंबर ऑफ 5 जो आ चुके हैं वो आ चुके हैं 3। अब मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ 2। क्या मेरे पास 3 2 है इस कैलकुलेशन के अंदर, तो डेफिनेट आप चेकआउट कर सकते हो, 2 1 11। देन अगर मैं बात करूँ 48, तो 48 में अगर मैं देखूं तो 2 × 2 आता है आपका, क्योंकि 48 4 से डिवाइडेबल है, तो 2 और 2 इसके अंदर डेफिनेटली 2 बार आएगा। मुझे ये चेकआउट करना था कि 5 3 बार आ गया, क्या 2 3 बार आ रहा है, तो 2 3 बार आ रहा है, तो आपके नंबर ऑफ पेयर्स बन गए 5 और 2 के 3 पेयर। तो 3 जीरो ये दे देंगे तो नंबर टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने आ चुके हैं, 5 आ चुके हैं, आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ये बिल्कुल बेस कॉन्सेप्ट है जिससे मैं आपको समझा रहा हूँ, देन इसी से अपने टिपिकल टाइप के क्वेश्चन के अंदर भी जाएंगे कि उन क्वेश्चन को अपने को कैसे सोल्व आउट करना है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर से समझिएगा कि नंबर ऑफ जीरो उसके अंदर किस तरह से आएंगी। अब क्वेश्चन जो मेरा है वो है 125 × 72 × 81 × 1005। इस पूरी कैलकुलेशन के अंदर कितनी जीरो आएंगी ये अपने को फाइंड आउट करना है। फर्स्टली वी नीड कि नंबर ऑफ 5 मैं काउंट करूं, नंबर ऑफ 2 मैं फाइंड करूं एंड नंबर ऑफ 0 मैं फाइंड आउट करूं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, क्या आपको जीरो दिख रहा है कैलकुलेशन के अंदर, नहीं दिख रहा, तो वहां से नंबर ऑफ 0 तो मेरी आएंगे नहीं। अब मुझे नंबर ऑफ 5 एंड नंबर ऑफ 2 फाइंड आउट करने हैं। तो यहां पर देखिए जो 125 है ये क्या होता है, 5 × 5 × 5। वेल, अब
मुझे 1005 को देखना है कि क्या इसके अंदर कितनी मेरे पास नंबर ऑफ फाइव आ रहे हैं, पांच कितने आ रहे हैं। तो मैंने पांच से डिवाइड किया तो यहां पर आपके पास आ गया 201 × 5। अब 201 के अंदर 5 नहीं होता, लेकिन ये एक 5 मेरे पास 5 आ चुका है, 2, 3, 5 मेरे पास यहाँ पर आ चुके हैं। क्या मेरे पास 4, 5 हैं? क्योंकि यहाँ पर मैं बात करूँ तो 4, 5 डेफिनेटली हैं। अब अगर मैंने इस पूरी कैलकुलेशन के अंदर 4, 2 फाइंड आउट कर लिए तो मेरे नंबर ऑफ जीरो यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएंगे। या देखते हैं कितने नंबर ऑफ जीरो मेरे पास आते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 72 अगर देखा जाए तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 × 9। 8 के अंदर नंबर ऑफ 2 कितने होते हैं, 3। 81 के अंदर नंबर ऑफ 2 या नंबर ऑफ 5 दोनों ही नहीं होते। तो यहां पे देखिएगा, 3 आपके पास 2 आ रहे हैं, 4 आपके पास 5 आ रहे हैं। तो पेयर कितने बनेंगे, 3 बनेंगे या 4 बनेंगे? पेयर तो 3 ही बनेंगे, क्योंकि 3 2 हैं, 3 5 हैं, तो उनका पेयर बन जाएगा। तो नंबर ऑफ 0 आपकी जो फाइंड आउट होंगी वो आपके पास आ जाएंगी 3। क्वेश्चन सॉल्व। तो ये तो बिल्कुल बेस क्वेश्चन थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, जिसमें आपसे नंबर ऑफ जीरो पूछी जाती है। और अक्सर स्टूडेंट यही दिक्कत करते हैं कि यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ जीरो कैसे फाइंड आउट की जाएगी। तो देखिएगा, उस क्वेश्चन के अंदर आपके पास है फैक्टोरियल 100, फैक्टोरियल 90, फैक्टोरियल 72। इन तीनों के अंदर मुझे नंबर ऑफ जीरो फाइंड आउट करनी है। अगर मैं यहां पे बात करूं, फैक्टोरियल को इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ये तीन अलग अलग क्वेश्चन लिखे हैं, इसके अंदर मुझे नंबर ऑफ जीरो फाइंड आउट करनी है। तो इन क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ जीरो कैसे फाइंड आउट की जाती है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि फैक्टोरियल का मतलब होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास लिखा हुआ 5 का फैक्टोरियल, तो इसका मतलब है कि आपको 5 को 1 तक उल्टा लिखना है, 1 तक, और बीच में उन सभी का क्या करना है, गुणा करना है। कहने का मतलब 5, 4, 3, 2, 1 और बीच में मल्टीप्लिकेशन, ये है फैक्टोरियल 5 का मतलब। या मेरे पास आया फैक्टोरियल 9, तो इसका मतलब क्या है, 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। 9 को 1 तक करते हुए क्रम में लिखा और बीच में गुना का सिंबल लगाया, ये आपका फैक्टोरियल का मीनिंग होता है। तो अब मुझे फाइंड आउट करना है, फॉर एग्जांपल यहां से उठाता हूं कि इसमें मैं नंबर ऑफ जीरो है वो किस तरह से फाइंड आउट करूंगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं फैक्टोरियल 100 का मतलब क्या, कि आपको 1 × 2 × 3 × 4 रेगुलर 100 तक मल्टीप्लीकेशन करना है। अब इसमें नंबर ऑफ जीरो कैसे फाइंड आउट होंगे, तो यहां पर देखिएगा कि जब आप इस टर्मिनोलॉजी को लिखते हो तो अगर आप इसमें फाइंड आउट कर लो कि नंबर ऑफ 5 कितने हैं, वही आपके रिक्वायर्ड आंसर को बताएंगे। किस तरह से, नंबर ऑफ 2 क्यों नहीं फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि मुझे दिमाग लगाना है, मुझे वहां पर रटा हुआ चीज कंसिडर नहीं करनी, मुझे यहां पर दिमाग लगाना है कि अगर मैं इस पूरी कैलकुलेशन को ध्यान से देखूं तो 2 की कमी नहीं है, 2 बहुत पड़े हैं अपने पास, क्योंकि हर एक संख्या को छोड़कर नेक्स्ट जो आपकी वैल्यू आ रही है, संख्या आ रही है, उसके अंदर 2 है। फॉर एग्जाम्पल, 2 के अंदर 2 है, 4 के अंदर है, फिर 6 के अंदर भी आएगा, फिर 8 के अंदर भी आएगा, फिर 10 के अंदर भी आएगा, फिर 12 के अंदर भी आएगा, इस तरह सोन आगे चलता रहेगा, 2 बहुत बार आएगा। लेकिन अगर आपने नंबर ऑफ 5 काउंट कर लिए तो 2 तो उसके साथ मैच कर ही जाएंगे, उतने पेयर बना लेंगे, आपकी नंबर ऑफ 0 फाइंड आउट हो जाएंगे। और वो आप कैसे कर सकते हो, बड़ा ही सिंपल मेथड है। आपको क्या करना है, 100 के अंदर 5 का भाग देना है। जब 100 के अंदर आपने 5 का भाग दिया तो आपके पास आया 20। देन अगेन आपने क्या करना है, 20 के अंदर 5 का भाग देना है, डिवाइडेशन करना है, तो किस पर जाएगा आपका, 4। तब तक आपको भाग देते रहना है जब तक ये जो वैल्यू आ रही है, आपका जो भागफल आ रहा है, वो 5 से छोटा ना चला जाए। अब यहां पे बात करें तो 4 क्या है, 5 से छोटा है। अब 4 के अंदर मुझे पता है 5 का भाग नहीं जाता, तो ये जो वैल्यू आपने बाद में लिखी थी, जो आपके क्वेश्चन लिखे थे, आपने जो भागफल लिखे थे, उनका योगफल ही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो आएंगे आपकी 14। ये बात यहां पे ध्यान रखिएगा कि मैं कर क्या रहा हूं, 5 का भाग दे रहा हूं, और जो भागफल आ रहे हैं उन्हें लिख रहा हूं,
शेषफल यहां पर बचा नहीं था तो शेषफल की बात ही नहीं हुई। अब एक ऐसी वैल्यू लेंगे जिसके अंदर अपने पास भागफल के बाद शेषफल भी बचेगा, तो शेषफल क्या क्या करना है पूरा अच्छे से ऑब्जर्व करना है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ जीरो आपकी किस तरह से फाइंड आउट होगी। तो यहां देखिएगा, अब मैंने वैल्यू ली फैक्टोरियल 98 में नंबर ऑफ जीरो कितनी होंगी ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 रेगुलर 98 तक आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। इसके अंदर नंबर ऑफ 5 मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूंगा, 98 के अंदर 5 5 का भाग दूंगा, क्योंकि मैं नंबर ऑफ 5 काउंट कर रहा हूं कि इस पूरी कैलकुलेशन के अंदर पूरे टोटल नंबर ऑफ 5 या 5 कितने आएंगे। तो मैंने 5 का भाग दिया, तो यहां पर आपको क्या लिखना है, भागफल लिखना है, क्वेश्चन लिखना है आपका कि आपका क्या आएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले आपका जा रहा है 1 पर, देन उसके बाद जा रहा है आपका 9 पर। जो रिमाइंडर यहां पर बचेगा इस पूरी यहां पर जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा आपके पास 3। लेकिन मुझे इस रिमाइंडर को नहीं लेना, मुझे सिर्फ यहां पर अपने भागफल को लेना है। देन इस 19 के अंदर फिर 5 का भाग देना है, तो आपका यहां पर कितने पर जाएगा, 3 पर जाएगा। रिमाइंडर क्या बचेगा, 4 बचेगा, लेकिन मुझे इसे कंसिडर नहीं करना, मुझे सिर्फ इस भागफल को ही कंसिडर करना है। अब अपने पास ऐसी वैल्यू आ चुकी है जिसके अंदर 5 का भाग जाता ही नहीं, तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर, इन दोनों का टोटल आपका रिक्वायर्ड आंसर है 19 प्लस 3 यानी कि 22 आपका रिक्वायर्ड आंसर है। इस कैलकुलेशन के अंदर कितने नंबर ऑफ 5 आएंगे। अब एक क्वेश्चन और टारगेट करते हैं इस तरह का, देन थोड़ा सा पैटर्न टिपिकल कर देंगे अपने। अब आपके पास आया फैक्टोरियल 202, इसके अंदर आपके पास नंबर ऑफ 5 कितने आएंगे। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 और रेगुलर आपका है 202 तक, तो आपको 202 में 5 का डिवाइडेशन देना है। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा 40, रिमाइंडर आपको लेना नहीं है। अगेन 5 का दिया तो आपके पास आ गया 8, अगेन आपको फिर 5 का भाग देना है क्योंकि 8 के अंदर 5 का भाग जाता है, रिमाइंडर नहीं देखना है आपको। 8 का दिया, यहां पर बचेगा आपका 1, बिकॉज ऑफ यहां पर अगर मैं बात करूं 3 रिमाइंडर बच रहा है उसको मैं नहीं लूंगा, सिर्फ भागफल लेना। देन इन सभी का टोटल जो बाद में अपने पास क्वेश्चन आए हैं भागफल आए हैं उनका टोटल आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा 40 प्लस 8 प्लस 1 यानी कि 49 आपके नंबर ऑफ 0 है, आपका रिक्वायर्ड आंसर रेडी है। देन अभी क्वेश्चन देते हैं, SSC के एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है, उसको ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा कि आपका रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा। आपके पास क्वेश्चन है 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10 रेगुलर 1000। जब आप ये मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपके पास नंबर ऑफ जीरो कितनी आएंगी। तो यहां पर जो मैं पैटर्न पहले कर रहा हूं उसके अंदर अगर मैं प्रॉपरली ऑब्जर्व करूं तो नंबर ऑफ 2 मैं काउंट नहीं कर रहा हूं, नंबर ऑफ 5 काउंट कर रहा हूं। यहां पर आपकी जो सारी वैल्यूज दे रखी हैं वो एक इवन नंबर है, सम संख्या है। तो वहां पर मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि इसे मैं 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 रेगुलर जितनी भी आ रही है उसमें कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि उसमें मैं नंबर ऑफ 5 काउंट करूंगा तब मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ सकता है। तो यहां पर मैं ये देखूं तो मैं सब में क्या करूंगा, 2 कॉमन ले लूंगा, इसमें भी 2 कॉमन लिया, इसमें भी लिया, इसमें भी लिया, इसमें भी लिया, कितनी टर्म है टोटली, टोटल टर्म्स है ये 500, तो 2 की पावर 500 आपकी कॉमन आ गई। देन इसके बाद जब मैं 2 सम से बाहर निकालूंगा कॉमन ले लूंगा, अंदर क्या बचेगा, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 और रेगुलर 500 तक। और आपको पता है कि इस तरह के क्वेश्चन के अंदर आप नंबर ऑफ 5 बड़ी आसान तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, अभी पीछे अपनों ने किया है। तो मेरा मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि आप जो भी क्वेश्चन होगा उसे सबसे पहले इस फॉर्मेट में बदलोगे, इस फॉर्मेट में बदलने के बाद आप नंबर ऑफ 5 काउंट कर लोगे, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो यहां पर अगर मैं देखूं नंबर ऑफ 5, तो 500 के अंदर आपने 5 का डिवाइडेशन देना है 100, देन 5 का देना है 20, देन 5 का देना है 4, तो आपका जो आंसर है वो आ चुका है 124, इनका टोटल कितना होगा 124, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब एक और क्वेश्चन आया था SSC के एग्जामिनेशन में, वो भी देख लीजिए साथ साथ, 3 गुना 5 गुना 7 गुना 9 गुना 11 रेगुलर 999 तक मल्टीप्लीकेशन है, इसमें आपको नंबर ऑफ जीरो फाइंड आउट करने हैं। तो आप इसमें कैसे कर सकते हो,
यहां पे आपका जो आंसर आएगा नंबर ऑफ जीरो वो आएंगी जीरो, यहां पर एक भी नंबर ऑफ जीरो नहीं होगी। अब यहां पर मेन ऑब्जेक्ट क्या है, आप मुझे एक सिंपल से बात बताइए कि ये सारी वैल्यूज कौन सी हैं। ये सारी वैल्यूज हैं आपके ओड नंबर्स, और विषम संख्या या ओड नंबर कौन से होते हैं जिसके अंदर दो का भाग नहीं जाता, दो डिवाइडेशन में नहीं हो सकता। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो मुझे ये बात क्लियर है कि जो जीरो बनेगी वो बनेगी फाइव और टू के पेयर से, और जब इसमें नंबर ऑफ टू ही नहीं है तो नंबर ऑफ जीरो कैसे कंसीडर हो सकती है, दस बनेगा ही नहीं, टेन नहीं बनेगा, तो नंबर ऑफ जीरो मेरे पास क्या आएगी, जीरो आएगी। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को अपने को प्रॉपरली ऑब्जर्व करना है, और मैं ये चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दें, और मैं ये जानना चाहता हूं कि कितने कैंडिडेट को जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट समझाया वो प्रॉपरली समझ में आया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि क्या पता कौन इस वीडियो की इंतजार में है कि उसका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में डालना है, और देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इसका सही आंसर देते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास 100 फैक्टोरियल इंटू 50 फैक्टोरियल इंटू 20 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। इस पूरी कैलकुलेशन के अंदर नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे, तो मैं तो कमेंट कीजिएगा अपने आंसर्स। थैंक यू।